दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंग्लिश पोएट जयंता महापात्रा की एक पोएम द रेन ऑफ राइट्स की। ये पहले ऐसे पोएट थे जिन्हें इंग्लिश पोएट्री के लिए साहित्य एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। समटाइम्स अ रेन कम्स स्लोली अक्रॉस द स्काई दैट टर्न्स अपॉन इट्स ग्रे क्लाउड ब्रेकिंग अवे इनटू लाइट बिफोर इट रीचेस इट्स ऑब्जेक्टिव। दोस्तों ये जो पोएम है ये हमें एक मेमोरी को बताती है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत सैड हो जाते हैं और सैड होने के बाद हम कुछ ख्यालों में खो जाते हैं कि काश ऐसा हो या ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी बातों पे हम अपना ध्यान लगाते हैं। तो यहाँ जो ये रेन है ये एक सिंबल है उसकी इच्छाओं का, पोएट की इच्छाओं का। लाइक समटाइम्स अ रेन कम्स, कभी कभी एक बारिश होती है, बारिश उसके ख्यालों की जो कि आसमान में आती है, आसमान में छाती है बादलों की तरह, बादल छा जाते हैं आसमान में पूरी तरह से, बट ब्रेकिंग अवे इनटू लाइट, लेकिन धीरे धीरे वो बादल टूट जाते हैं और लाइट में चेंज हो जाते हैं, यानी कि वो बादल बरसते नहीं हैं बस लाइट में चेंज हो जाते हैं। बिफोर इट रीचेस इट्स ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर फाइनल गोल, फाइनल गोल तक वो पहुँच नहीं पाती बारिश क्योंकि होती नहीं है, इसलिए ये लाइट में चेंज हो जाती है और उसका जो सपना है उसके जो ख्वाब हैं वो टूट जाते हैं। द रेन आई हैव नोन एंड ट्रेडेड ऑल दिस लाइफ इज थ्रोन लाइक कैल्प ऑन द बीच। द रेन यानी कि पोएट के पास्ट की मेमोरीज, तो जो पोएट के पास्ट की मेमोरीज है जिन्हें वो जानता है और जिंदगी भर जिनका उसने व्यापार किया है, एक तरह से सौदा किया है, उनकी बातचीत करी है, तो वो सब जो यादें हैं इज थ्रोन लाइक कैल्प। कैल्प जो होता है समुद्री घास होती है, उसकी राख को कैल्प कहते हैं। तो वो सब यादें जैसे बीच में कोई समुद्री घास की राख पड़ी रहती है उसकी तरह हो जाती है। लाइक अ शेप ऑफ कॉन्शियंस आई कैन नॉट लुक एट अ मलिग्नेंट पर्पज इज ए नंस आई। तो वो जो यादें होती हैं, जो रेन है, वो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ के एक शेप की तरह हो जाती है, अंतरात्मा की एक आवाज़ है उसका शेप बन जाती है जो कि पोएट देख नहीं पाता। अ मलिग्नेंट पर्पज इज ए नंस आई, और वो कुछ ऐसा भी है जैसे एक नंस की आई में, नन की आँखों में एक हानिकारक कोई उद्देश्य छुपा हो। नन एक भक्तिन होती है जो कि मठ में रहती हैं और पूरी तरह से डिवोटी होती है भक्ति के प्रति। हु वॉज द लास्ट मैन ऑन अर्थ टू हुम द कोल्ड क्लाउड ब्रॉट द ब्लड टू हिज फेस। अब इस स्टैंजा में पोएट सोचते हैं कि इस दुनिया का वह आखिरी इंसान कौन होगा जो काफ़ी अच्छे ख्यालों का होगा, लेकिन फिर भी ये जो कोल्ड क्राउड हैं उसके लिए ब्लड ले आएंगे, उसके चेहरे पर मायूसी ले आएंगे। ये कोल्ड क्लाउड इसलिए हैं क्योंकि ये बरस नहीं रही है, ये बारिश नहीं हो रही है, इसलिए ये कोल्ड क्लाउड है। नमली आई क्लाइम टू द माउंटेन टॉप्स ऑफ आर्स वेयर माई ओन सोल क्विवर्स ऑन द एज ऑफ आंसर्स। नमली का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें कोई इमोशंस नहीं होते, सुन्न पड़ जाना पूरी तरह से। तो ऐसी कंडीशन में जो पोएट है वो उन क्वेश्चंस के माउंटेन पर चढ़ गया जो उसने खुद से पूछे। वो वहाँ चढ़ा और वहाँ चढ़ने के बाद उसकी आत्मा कांपने लग गई, सोल क्विवर्स ऑन द एज ऑफ आंसर्स। जब आंसर्स ढूंढने की बारी आई तो उसकी आत्मा ही कांपने लग गई, खुद कपकपाने लग गया वो, क्योंकि आंसर ही नहीं थे। विच स्टिल स्टेल एयर सिट्स ऑन एन एंजल्स विंग। अब पोइट यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हमारी पास्ट की मेमोरी, स्टेल एयर का मतलब है पास्ट की जो यादें हैं वे वापस हम पर एंजल्स के जो विंग्स होते हैं उनकी तरह अटैक करती है, बहुत तेज अटैक करती है जैसे एंजल्स अपने विंग्स का यूज करती हैं। व्हाट होल्ड्स माई रेन सो इट्स हार्ड टू ओवरकम। इस लास्ट स्टैंजा में पोएट बोलते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने मेरे रेन को होल्ड करके रखा है और जिससे बाहर निकलना काफ़ी कठिन हो गया है। दोस्तों अब बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की, तो सबसे पहले इसमें सिंबल्स का यूज है जैसे कि रेन,
रेन यहाँ अनफुलफिल्ड डिज़ायर को शो कराता है, पास्ट की मेमोरी को जो कि कभी पूरी नहीं होती हैं, ऐसे इच्छाओं को, ऐसे ख्वाबों को। स्मीली का भी यूज किया गया है इस पोएम में, रेन का कंपैरिजन किया गया है लाइक कैल्प ऑन अ बीच।